फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसका आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी। दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है बटरफ्लाई के ऊपर। बटरफ्लाई की सारी ड्रिल्स है। अगर आप बटरफ्लाई करते हो, आज चाहते हो मेरी स्पीड बढ़ जाए, मूवमेंट सही हो जाए और लेग्स में पावर आ जाए, डॉल्फिन सही हो जाए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैंने सारी बटरफ्लाई की ड्रिल्स बताई है। कुछ ड्रिल्स है जो बेसिक्स है, जैसे कि वन हैंड चलाना, एक राउंड मारना इसका, फिर ये हैंड चलाना, फिर ये दो हाथ चला के, फिर ये दो हाथ चला के, फिर दोनों हाथ चलाने, ये बेसिक से रहती है, ये तो हर किसी को पता होता है। ये भी मैंने बताई है, पर ये टू हैंड ये फिर टू हैंड बटरफ्लाई, ये मैंने बताया है। सिंगल हैंड के मैंने रोने बनाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने बताई है डॉल्फिन की, ठीक है। फिंग्स पाके की हुई है, ये बिना फिंग्स के भी कर सकते हो, जो पैरों में होते हैं ना मछली की तरह डाले हुए, वो डाल के की हुई है। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपकी बटरफ्लाई की स्पीड कन्फर्मली बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो मुझे लाइक कर देना मेरी वीडियो को आगे, बाद में करना, पहले कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं ड्रिल्स, और ड्रिल्स को एंड तक देखना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई दिक्कत हो रही है स्विमिंग से रिलेटेड या फोन से रिलेटेड, मेरे दो चैनल हैं, टेक्निकल लवली मनी, तो वो मैंने एक ही ग्रुप बनाया हुआ है। तो फालतू की कोई मैसेज में डालना, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। बटरफ्लाई चेक कर लो, उसके बाद आपको ड्रिल्स दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले बटरफ्लाई में डॉल्फिन होती है, फिर बटरफ्लाई करनी होती है आपने, ये वाली जो चेक कर सकते हो। कंटिन्यू किक चलती है, डॉल्फिन चलती है, बैक हाफ पार्ट डॉल्फिन चलती है, जिसमें डबल किक होती है, ठीक है। उसके बाद ड्रिल्स दिखाऊंगा, जिसके कारण ये जो हैंड मूवमेंट चल रहे हैं ना, इसमें ड्रिल्स में आएंगे सिंगल हैंड पे पहले एक एक राउंड मारेगा, उसके बाद मतलब कि ड्रिल्स रहती हैं अपने हिसाब के साथ, जो आपको जितनी ज़रूरत है उसकी उतनी ही जरूरत करनी होती है आपने, ठीक है ना। तो ये बटरफ्लाई आप चेक कर सकते हो कि डॉल्फिन कैसे करनी है, बटरफ्लाई कैसे मारनी है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ड्रिल्स। अब हम करेंगे ड्रिल्स स्टार्ट। मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बटरफ्लाई दिखा दूँ, उसके बाद आपकी ड्रिल्स बॉडी इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप ड्रिल्स करते हो। ये बाहर आना, अंदर जाना कैसे करने हैं, हम फिंग्स के साथ करेंगे। वैसे आप सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है, बल्कि बिना फिंग्स के भी कर सकते हो। फिंग्स होती है और पैरों में डलती है। तो चलो अब आपको बटरफ्लाई की ड्रिल्स दिखाते हैं। ये तो अभी कंटिन्यू राउंड मारेगा, तो इसको स्किप कर देते हैं। फिंग्स है, जिसके कारण स्पीडों में फ़र्क पड़ता है। तो अब पहले हम सैड डॉल्फिन करेंगे, उसके बाद हम वन वाइव। अभी ये करेगा सैड डॉल्फिन, ये चेक कर सकते हो कि सैड डॉल्फिन रहेगी ये। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी डॉल्फिन तेज़ हो जाती है और कमर मूवमेंट भी अच्छी हो जाती है। ये चेक कर सकते हो कि सैड डॉल्फिन करनी है कंटिन्यू, ठीक है। इससे आप स्पीड का, आपका बटरफ्लाई में स्पीड में काफ़ी अंतर पड़ेगा, और आपकी जो है स्पीड तो ठीक रहेगी, साथ में आपको लेग्स में पावर भी काफ़ी आएगी। तो आपने एक ही सेट फेस करके मारना है, कंटिन्यू राउंड मारने हैं। इतनी देर वेट नहीं करना है, इतना देर नहीं रुकना, जितना देर तू रुक रहा है आके टच करके वापस जाना है, गो। तो इसको आपने राउंड मारने कंटिन्यू, और इसकी आप ड्रिल्स के हिसाब से राउंड मार सकते हो, जैसे कि 6 राउंड मार सकते हो आप, 10 राउंड मार सकते हो, जी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो। कि अगर आपकी ड्रिल्स ज़्यादा वीक है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसकी ड्रिल्स ज़्यादा वीक नहीं है तो इसको मतलब कि कम में चल जाता है। इसकी मतलब कि जो बटरफ्लाई है इसकी सही है, ओके रिपोर्ट है, ये बहुत अच्छा टाइम देता है, पर इसमें टाइम टूटते हैं, ठीक है। एक तो ये ड्रिल्स हो जाती है साइड में, कंटिन्यू राउंड मारने, आप थोड़ा फॉरवर्ड में निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप जैसे ये टर्न मार रहा है, सेम इसी में मारने होते हैं, तेज़ मारने होते हैं, बस इसमें कमर की डॉल्फिन चलती है और साथ में साथ हमारी डॉल्फिन परफेक्ट हो जाती है इसके साथ साथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रिल पे। जैसे कि आपने पहले सैड देखी है, तो अब है सिंपल डॉल्फिन, पर ये अंडर वाटर है, 50 के 50 मीटर अंडर वाटर डॉल्फिन करनी है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो इसकी स्पीड, दिखाता हूँ मैं, आप स्पॉट स्टॉप हो गया, तो इसकी आप स्पीड चेक कर सकते हो कि कितनी है। इसी से डॉल्फिन नॉन स्टॉप भी चलेगी और आपको स्पीड भी को भी फ़र्क पड़ेगा, ये चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉन स्टॉप करना, मतलब कि इसने 50 मीटर वहाँ से लेके यहाँ तक अंडर वाटर किया, इसके हाथ पैरों में फिंग्स है, जब ये उतार देगा तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि पैरों में पावर आ जाती है फिंग्स के साथ, फिंग्स के साथ ज़्यादा पावर बढ़ती है। उसके बाद आप जब उतार के फिंग्स करोगे तो आप गोली की तरह चलोगे। जो आपने पहले ड्रिल देखी है वो आप बिना उसके भी कर सकते हो फिंग्स के, और ड्रिल फिंग्स के साथ भी कर सकते हो, पर फिंग्स के साथ करने के बाद बिना फिंग्स के करोगे आपको फ़र्क दिखेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मत करना, क्योंकि जब हम फिंग्स के साथ करते हैं उसके बाद हमें काफ़ी दिक्कत होती है, हम बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं जिसके कारण हमें थोड़ा जजमेंट होता है। पर जब इसके साथ करोगे आपके लेग्स में पावर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट बटरफ्लाई करके देखना, बटरफ्लाई क्या आपको जान देगी, क्या आपकी स्पीड होगी बटरफ्लाई की। ये डॉल्फिन्स होती हैं जो कि बटरफ्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ज़्यादातर तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद हैंड मूवमेंट की रहती है, ठीक है। जैसे कि अब ये कंटिन्यू हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रिल पे। यही आपने सेम बिना इसके फिंग्स के भी करनी है, इसकी बिना फिंग्स के प्रैक्टिस हो चुकी है और अब ये करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा बिना फिंग्स के कैसे करते हैं। अब चेंज हो गई है, अब बैक की डॉल्फिन है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट डालेगी आपकी। उसके बाद जो बटरफ्लाई की सैड वन बाय वन हाथ चलेगा वो चलेगा,
तो ये जो कर रहे हैं ये सेम आप विदाउट इसके भी प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि विदाउट फिंग्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि फिंग्स ही के साथ ही करना है, तो चेक कर सकते हो कि ये होगी इसकी, उसके बाद बबलिंग करनी है, दो चार बबलिंग करनी है, फिर हमने बैक जाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बैक में मूवमेंट में फ़र्क मिलेगा, उसके बाद ब्रेस्ट की किक भी एक सॉलिड हो जाएगी, उसके बाद बटरफ्लाई की किक तो ये सॉलिड करेगा ही करेगा, साथ के साथ फ्री का भी टाइम टूटेगा। डोरफिल की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके सारे टाइम टूटेंगे, पर हम कर रहे हैं बटरफ्लाई के लिए, ठीक है। बटरफ्लाई के लिए इसकी डोरफिल थोड़ी सॉलिड नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि ये स्लो करता है थोड़ी डोरफिल, तो आज इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद बटरफ्लाई के जो हाथ है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, गो। तो फ्रेंड्स सेम ही है जैसे हम बैक फ्री कर रहे थे, उसी तरह आपने ऐसे करनी है डोरफिल, जिसमें आपके पैर ज्वाइंट होने चाहिए। बस अभी ये इसके फिंग्स बड़े हैं इसलिए ये इसके पैर नहीं ज्वाइंट हो रहे, ये चेक कर सकते हो कि ये एक बार में ही डोल फील कर रहा है दूर तक। इससे क्या होगा, इससे स्टैमिनर भी गेन होगा, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ के साथ स्टैमिनर भी गेन होगा। चिंटो ओए पैर ज्वाइंट कर बेटा, तेरे पैर ज़्यादा खुले हो रहे हैं, पैर बहुत खुले हो रहे हैं, चल चल बबलिंग कर। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप करोगे तो उसके बाद आप करके देखोगे आपके मसल्स में बहुत पावर आएगी, डाइट का ध्यान रखना। तो चलो अब नेक्स्ट ड्रिल्स पे जाते हैं, अब बटरफ्लाई की जो हैंड मूवमेंट है वो दिखाएंगे। बटरफ्लाई विदाउट हैंड, मतलब कि अब हैंड नहीं चलाने, ठीक है। बटरफ्लाई की किक सेम रहेगी, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बाहर आने की मूवमेंट है वो सही हो जाएगी, डोरफिल सही हो जाएगी, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेक कर सकते हो, हाथ पीछे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करनी है डोरफिल, मतलब कि बटरफ्लाई है ये, लगभग सिर्फ हैंड मूवमेंट नहीं है। गो 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 गो। तो चेक कर सकते हो, ये हाथ पीछे रहेंगे, ठीक है। बाकी बटरफ्लाई की दो किक रहेगी, 1 2 3 4, ठीक है ना, इससे सेम रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे अपनी जो वेव है वो अच्छी खासी बन जाएगी, तो जिसके कारण हमारी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। देखा, मानते हो ना मेरे चैनल सब्सक्राइब करने का कितना बेनिफिट है आपको, इतनी कुछ सिखाता हूँ, ऐस करो ऐस। ये होती है बटरफ्लाई की सारी ड्रिल्स, और भी काफ़ी ड्रिल्स होती हैं जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, आपको आगे आगे सारी दिखाऊंगा। और ये आप फिंग्स के साथ ही कर रहे हैं, चेक कर सकते हो। तेज तेज स्पीड बढ़ा। तो ये इसमें देखने में बड़ा आसान लग रहा है, पर ये बहुत मुश्किल। स्पीड बढ़ा, स्पीड स्पीड तेज कर। ओ ला 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 ला, बटरफ्लाई चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। इससे आपको पता चलेगा कि अगर है हाथ नहीं है तो बटरफ्लाई कैसे करनी है, समझ में आया। तेज कर, तेज स्पीड बढ़ा, इसकी स्पीड बढ़ा, स्पीड। तो फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट डोरफिल है, बल्कि मेरे हिसाब से तो बहुत है। इससे हमें क्या होता है, एक वेव का पता चलता है, ये चेक कर सकते हो कितनी जेन्युइन चल रही है, ठीक है। तो चेक करो, इससे क्या होगा पता है, इससे आपकी हैंड मूवमेंट और आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत एक्यूरेसी में आएगी, जिसके कारण आप मुझे बोलोगे थैंक यू भैया, फिर बोला तथास्तु, जीते रहो, तेज तेज करो, इसी तरह मेरे चैनल को भी करते रहो सपोर्ट। मैं दोनों चैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, टेक्निकल लवली मनी और स्विमिंग बॉय मनी को, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, चलो। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रिल्स पे, ये तो अभी करेगा अभी, और तो हम इसको पॉज करते हैं नेक्स्ट ड्रिल। अब कर दी है चेंज, अब डोरफिल आ गई है, और डोरफिल कह दिया, अब आ गई बटरफ्लाई की ये वाली हैंड मूवमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सबको पता होता है, बेसिक ही रहती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, टू टू हैंड चलाने हैं, उसके बाद टू बटरफ्लाई, जिसके कारण हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूँ कि इसकी ड्रिल्स होती है, पहले 25 मीटर आप सिंगल हैंड भी मार सकते हो, फिर 25 सिंगल हैंड मार सकते हो, वो मैंने दिखाई नहीं, बेसिक ही है, आपको पता ही होगा जी। अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हो, अगर इतनी दूर तक आ गए हो तो आपको इसका जेन्युइन पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप मैंने ये दोनों दिखाई है कि आप में इसके सेटअप बनते हैं, जैसे टू टू हैंड या वन वन हैंड या थ्री थ्री हैंड या फोर फोर हैंड, इनकी अलग अलग प्रैक्टिस रहती है, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ड्रिल्स कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये सारी ड्रिल्स है,
और भी ड्रिल्स होती हैं, तो वो हम अगले सीज़न में दिखाएंगे, अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लो, तो वीडियो को एंड करते हैं। एक बार बटरफ्लाई दिखा देते हैं इसको, आपको हम पूरी बटरफ्लाई दिखाते हैं लास्ट में। अभी मतलब कि बटरफ्लाई कैसे चलाता है ये, 50 मीटर रेस दिखाएंगे। अभी डॉल्फिन देख लिया, रेडी टेक क्यों मागो। डाइव इसकी बिल्कुल गलत थी, डाइव तेज होनी चाहिए। देखो पैर, देखो इसके क्या चलेगी डॉल्फिन। क्या कर सकते हो कि अब पैर मूवमेंट में अपने आप फ़र्क पड़ता है, पैर बहुत हल्के लगते हैं, पता नहीं चलता कि पैर चला रहे हैं। अगर आप डॉल्फिन करोगे आपको समझ जाओगे, ठीक है ना। तो जी आप चेक कर सकते हो इसकी बटरफ्लाई 50 मीटर खींच रहा है, खींच रहा है, तेज चल तेज। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो लेग्स मूवमेंट में इतनी जान आ जाती है, जिसके कारण आपको फील ही नहीं होता कि आपने कुछ किया भी कि नहीं किया, पानी में पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्योंकि थिंग्स जो होते हैं वो पावर के साथ हमें स्पीड बढ़ा देते हैं, और उसके कारण हमारे पैरों में स्पीड आती है। तो चलो अब वीडियो एंड करें, बटरफ्लाई अपने दे। आई होप कि आपको बटरफ्लाई के बारे में सारी डिटेल हो गई होगी। चिंटू की बटरफ्लाई लास्ट में आपको दिखा भी दी, चिंटू की डाइविंग गलत थी, उसके ऊपर मैंने अभी काम किया नहीं, काम करूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि डाइविंग कई वाले सही मारता, कई वाले गलत मारता। कि डाइविंग क्या है, एकदम नीचे नहीं मारनी होती, आगे आगे नीचे मारनी होती है, जंप लेके मारनी होती है। ये चीज़ें आपको नहीं पता होगा, मुझे पता ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी आने वाला है कॉम्पिटिशन गुड़गांव में, 29 सेक्टर जिनखामा क्लब में, जिनखाना क्लब पता नहीं जिनखा। ओके, तो फ्रेंड्स 29 सेक्टर में है, 9, 10, 11, 12 को है। तो आप अगर गुड़गांव में तो देखना, मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँगा और चिंटू की रेस होगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि चिंटू के मेडल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की हुई है, बहुत मेहनत चल रही है उसके ऊपर, और इस बार उसके पक्का मेडल है। मेहनत करेंगे पूरी पूरी, कोशिश है, कन्फर्मली मेडल ही है। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि शोर है, आगे कोई भी आ सकता है, उससे कम टाइम भी दे सकता है, उससे बढ़िया प्रैक्टिस उन्होंने भी की होगी, पर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और हमने काफ़ी मेहनत की है ताकि हमारे मेडल आ जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बटरफ्लाई की ड्रिल्स और बटरफ्लाई की स्ट्रोक कैसे करनी है, और मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी, लास्ट में बटरफ्लाई दिखा दी थी, और बस यही था, और बस यही था। बाय फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बटरफ्लाई की ड्रिल्स अच्छी लगी होगी। ये है स्विमिंग बाय मनी, जिसका चैनल मेरा, टेक्निकल लवली मनी चैनल मेरा। इसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू फॉर द वीडियो।